अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। दाता ने करते थे तो टीटी लिए, फिर नहीं लिए जी, खाली पट्टी है, टेम्पोरी बन गया हमें। और कहाँ पड़े मारा, बुरा लगा, दो जनों को मार के गिरे। अकरम भाई लो आओ भाई, जरा दो मिनट करो, जरा ठीक है, बोलो स्टेटमेंट दो, जरा दो मिनट बैठा था, निकाल के बताऊंगा भैया। आधी आधी नहीं सुन ली, आधी है मैं बिग बॉस के नीचे, जिम के नीचे ठहरा हुआ था। फरीद नाम बल्ले रोडी शेटर आया, आके बहस कर रहा था। बहस करते करते चाकू निकाला पीछे से, निकाल के बोला क्या हुआ रे, बोले तो तेरे को तो मार देना है, बोल के चाकू निकाल के मार रहा तो मैं पकड़ लिया। पकड़ते कि हाथ पे लगा, हाथ पे लग के मैं फिर हाथ से पकड़ रहा तो वार कर रहा तो फिर हाथ से फिर पकड़ लिया हमें, पकड़ ले गए। फिर उन्हें मारने आ रहा था, पकड़ लेके चाकू पूरी छूट गई, छूट के मारना चालू करते भाग गया उन्हें। से पहले भी घर पे 3-4 दिन पहले घर में घुस गया था, 3 बजे रात को। वहीं बोला जा रहे बोल तो फोना चोरी कर लिया, कर ले गए। फिर फोना लिया तो फिर बोला तुम लोग उड़ गए रे, नहीं तो गर्दाना चल जाते थे। किस बात का है आपका? इससे पहले उसके भांजे से लड़े हो गए थी, वो भी मारे भी नहीं, करे भी नहीं, नाजायज फंसा दिए वो भी केस में। उसमें दुश्मनी रख लिया था उन्हें, खादरियों को नहीं मार सकते रे, खान को मार लिया तू मगर खादरियों को नहीं मार सकते बोल के बोल रहा। फिर मैं बोला जा रहे भाई, हम उसको भी नहीं मारे, ते को भी कई को मारेंगे बोल के हम लोग वो बोले तो फिर बोला ठहर जा, अब तेरा काम ही कर देना है बोल के बोल रहा था। पुलिस वालों को फ़ोन करा मैं, खलील साहब को फ़ोन करे तो LDMED वो SI का नंबर दिए, SI का नंबर दिए तो फ़ोन करते कि आ गए 2 मिनट में, आते कि देख के भाग गया। फिर कि मैं दूसरे दिन PS को गया तो ऐसा बोला तो मैं ठीक है बाहर बैठो बोले तो फिर आ गया, देखे तो उसको 4-5 मारे हाथों पे। अब मारा किसको पड़ेगा? मेरे को, अकरम भाई को। किससे मारे उन्होंने आप? चाकू से। कंप्लेंट करें आप? हाँ, अभी ये हबीब नगर PS में था।